हेलो फ्रेंड्स फैंस व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स मेरी सब यूट्यूब फैमिली आप सबको एक बार फिर से बहुत ज्यादा वेलकम बैक मेरे को वीडियो में मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे अपने अपने बेस्ट में होंगे। सो फ्रेंड्स आज का एक शॉर्ट सा ये जो वीडियो है ये बनाने का मकसद ये है कि हमारा इस्लामिक कैलेंडर में जैसे कि हम सबको पता है कि ज़कात का महीना चल रहा है और अब ऑब्वियसली मैंने डिस्क्लोज कर दिया आप लोगों ने टाइटल भी पढ़ लिया। तो आज की वीडियो में जस्ट मैं आपको ये री हाईलाइट करवाना चाहता हूँ कि ज़कात की कितनी इंपॉर्टेंस है एंड ज़कात की कितनी वैल्यू है और ये ज़कात है जो आपकी लाइफ को यहाँ से यहाँ ला सकती है। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि फेलियर है लाइफ में बहुत और यू नो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और अपने फ्रेंड्स से अपने कजन्स से अपने रिलेटिव से हमें तकलीफ होती है हर टाइम कि वो आगे और हम पीछे हैं। तो इस सब की जो बेसिक बुनियाद है जो मेन वाली रूट नीचे से पकड़ी जाए तो वो है ज़कात। हम ज़कात नहीं देते और ज़कात क्यों नहीं देते क्योंकि ज़कात की मिसकंसेप्शन बहुत है। हमें लगता है कि ज़कात देने का मतलब है जस्ट पैसे दे देना गरीबों को मस्कीनों को। यस इट इज वन ब्रांच ऑफ ज़कात। पूरी ज़कात का मतलब ही ये नहीं है। ज़कात हर चीज की हो सकती है फिर चाहे वो आपके माल मवेशी जानवर हो जैसे कि हमारी तकाउस या वो आपका आपके कपड़े हो आपकी चप्पलियाँ हो आपका फर्नीचर हो कुछ भी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी नॉलेज हो। टीचर्स हमें स्कूल में पढ़ाती हैं बिकॉज उनकी तो खैर वो सैलरी ले रही होती है वो तो एक रिएक्टिव सोशल बिहेवियर है लेकिन हम किसी को अगर फ्री में नॉलेज दे रहे हैं हम अगर किसी को गाइडलाइन दे रहे हैं तो वो भी एक बेसिकली हम ज़कात ही दे रहे हैं क्योंकि ज़कात का मतलब है फिल्टर प्योरिफिकेशन अपनी चीज़ को प्योरीफाई कर देना। और हम माल की ज़कात भी तभी देते हैं कि हमारा माल जो है वो प्योरीफाई हो जाए हमारे जो मवेशी हैं वो बढ़ जाए। और इसी तरह अगर हम अपनी किसी को नॉलेज देंगे एज अ गिफ्ट जिससे हमें खुद कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा तो उससे हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी हमारा जो हम खुद ग्रूम होंगे हम खुद डेवलप होंगे। तो जितने भी लोग जो अल्टरिस्टिक सोशल बिहेवियर रखते हैं यानी कि जो अपना खुद का मफाद एक्सपेक्ट नहीं करते बैक में और लोगों की हेल्प करते हैं वो बेसिकली एक ज़कात ही है। बहुत सारे लोग आते हैं कंप्लेंट्स लेके जैसे बेसकूनी के लिए बेचैनी के लिए बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं कि चैन नहीं है और अपनी जहालत वाली सर्कमस्टेंसेज में वो कहते हैं कि तवीज़ हुआ हुआ है जादू हुआ हुआ है सुकून नहीं है ज़िंदगी में। तो ये सब ड्रामे हैं देखें सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि आप नमाज नहीं पढ़ते। नमाज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट तो खैर वो एक अलग टॉपिक आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट इट्स डेप्थ। तो इसी तरह जो लोग कहते हैं कि रिज़्क में इजाफा नहीं हो रहा बरकत नहीं है चीज़ों में तो वो उसकी वजह यही है कि आप ज़कात नहीं दे रहे। और इसमें सिर्फ ज़कात देने वाले ही नहीं इन्वॉल्व ये पूरा प्रोसेस है जिसमें ज़कात लेने वाले भी उतने ही इन्वॉल्व हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़कात लेने के हकदार हैं पर वो आगे नहीं आते बिकॉज दे आर शाई टू डू सो वो हेजिटेशन फील करते हैं। देखें भीख मांगना इज समथिंग डिफरेंट और हो सकता है भीख मांगने में थोड़ी सी हेसिटेशन फील होती हो। मैंने कभी मांगी नहीं मुझे इसका पता नहीं कि क्या कैसा लगता है बट सुना हुआ है कि भीख मांगते हुए भी अक्सर लोग कहते हैं कि हमें दिल्ली सुकून नहीं हमें दिल से अच्छा नहीं लगता बट दैट इज समथिंग डिफरेंट। ज़कात इज समथिंग एल्स। ज़कात आपका अपना राइट है और ये आपको अल्लाह ने दिया है आपके इस्लाम ने दिया है तो फिर कौन रोक रहा है। हमारे लोग यही तो मस्ती करते हैं कि अब उनको पता है कि हमारा ये हक है लेकिन वो आते नहीं। आप खुद आए अमीरों के घर के बाहर जाएं या नॉट सॉरी टू क्लासिफाई नॉट सिर्फ अमीर ही बल्कि वो तमाम लोग जो ज़कात देने के हकदार हैं उनके घरों के पास जाएं और उनसे कहें कि दिस इज योर राइट एंड दोस पीपल हैव टू प्रोवाइड यू विद इट। सो जनरली ऑन द होल ओवरऑल प्लीज ज़कात दें। ज़कात हर चीज़ की है। आप अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस बात का इल्म ही नहीं हुनर ही नहीं कि हम कितनी यू नो होते हैं लोग जो नहीं एजुकेटेड होते इतने और उनको ये इस बात की नहीं नो हाउ होती कि ज़कात देने के क्या क्या तरीके हैं तो इट्स ओके आप वो दें जो आप दे सकते हैं चाहे 10 रुपये। नीयत इज व्हाट मैटर्स क्वांटिटी नहीं इंटेंशन मैटर करती है। अल्लाह को पता है कि आपकी क्या नीयत है। मैंने अब यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत सारे लोग जो मैंने नमाज का जैसे तस्करा किया बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं कि वो फलां जो है वो नमाज सही नहीं पढ़ता वो नमाज के खींची कर होता है या वो सजदे सही नहीं करते वैसे ही माथे जो है वो टकरे मार लेते फर्श के साथ। देखें दैट इज समथिंग एल्स। बात नीयत ही है इंटेंशन की है। आप कम अज कम जाके खड़े तो हो रहे हैं ना कारपेट पे। सो लिहाजा बंदे के बच्चों की तरह अगर आपको खुदा ने कुछ दिया है तो उसकी ज़कात दें क्योंकि दुनिया गोल है। तो अगर आप ऊपर हैं तो नीचे कब आ जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा ये सिर्फ खुदा जानता है। तो वो देकर भी आजमाता है लेकर भी आजमाता है। तो अपनी जब उसने आपको दिया हुआ है तो उस आजमाइश में सक्सेसफुल प्लीज हो जाए। और जो ज़कात के हकदार हैं जिन्होंने ज़कात लेनी है गो आउट देयर एंड गेट इट दैट्स योर राइट। किसी बंदे ने नहीं दिया इस्लाम ने दिया है।
एंड सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज वीडियो. मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जो बातें हैं जिस किसी ने भी सुनी है आपके दिमाग में थोड़ा सा असर पैदा कर दें और बिग इनकलाब का इंतजार करने की जरूरत नहीं. यू हैव ऑलरेडी चेंज्ड. बाहर जाएं, जो भी नजर आता है बंदा 10 रुपए दे दें, दुकान से जूस का डब्बा लेके दे दें, किसी को स्माइल दे दें, यार स्माइल की ज़कात दे दें, बट दें किसी को ज़कात प्लीज फॉर गॉड से. ये प्योरिटी का चैरिटी का महीना है और थ्रू आउट द ईयर 360 डेज ही देनी चाहिए, लेकिन जो होते हैं ढीठ गंदे लोग तो इस मंथ में एटलीस्ट लाजमी दें. सो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में शायद बहुत जल्द. तब तक के लिए आप सब ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल. यूज फॉर यू का प्रॉमिस आपने फॉर श्योर नहीं भूलना. कीप शेयरिंग स्प्रेडिंग स्माइलिंग डोनेटिंग. वो शेयरिंग स्प्रेडिंग वाला भी इस मंथ में बहुत ज्यादा करना है. बाकी लोगों का ख्याल रखिएगा, अपना तो ख्याल आप रखते ही हैं, एंड बाकी इन्वायरमेंट मस्कीनी को भी अगर आपको मिलेगी है तो उसका भी ख्याल थोड़ा सा रख लीजिएगा. एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे ताकि आपको और भी वीडियोज मिलती रहे. Do not forget to rate and comment this particular video. आपकी क्या राय है, क्या मशवरा है, आप किस तरह ज़कात देते हैं या आप किस तरह दूसरों को इनकरेज करेंगे. मैं तो बेसिकली आपको यहाँ पे इनकरेज ही करना हूँ कि दें. तो आपने भी अपने अकाउंट खुद तो तब्दील होना है, लेकिन वही बात बाकी लोगों का भी ख्याल रखना है. तो बाकी लोगों को भी तब्दील प्लीज थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा अगले वहाँ इन आए अच्छे काम की तरफ. एंड सो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए आप सबको सिर्फ मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा अल्लाह हाफ़िज़.